हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। अभी कुछ दिनों पहले स्टाफ साइट की एक मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से, जिसके मिनट्स अब आ चुके हैं। मीटिंग 15 दिसंबर 2023 को नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली में हुई, जिसमें 13 एजेंडा आइटम्स उसमें रखे गए। वो 62 मीटिंग थी। मैंने इससे पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि उसमें एनसीजेसीएम की मीटिंग होने वाली है, कि आप लोग बोल रहे थे ये मीटिंग कब होगी और इसके मिनट्स कब आएंगे। तो मैं बता दूं कि मीटिंग 15 दिसंबर 2023 को हुई और अब इसके मिनट्स आ गए हैं। तो वो कौन कौन से 13 एजेंडा थे आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, क्या क्या उनका आंसर आया है। कर्मचारियों, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत सारी डिटेल्स इसमें, जो उनके इश्यूज हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं या उनके जो अलग अलग लेवल पर रिक्वेस्ट हैं। तो पूरा थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके इसमें 13 जो एजेंडा है और उनके जो आंसर्स हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और एक चीज आपके लिए और बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को, यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये नोटिफिकेशन 26 दिसंबर 2023 का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशनर्स के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से, ये एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में मिनट्स ऑफ द मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी पीपी टू डिस्कस द 13 एजेंडा आइटम्स ऑफ द 62 मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम। अब कौन कौन से वो मैटर थे सारा हम डिटेल में जानेंगे और क्या क्या रिप्लाई आया वो सारी इसमें देखेंगे हम। ये थोड़ा सा पहला मैटर आप देख सकते हैं इसमें, पहला मैटर ये था कि जो स्टाफ साइड यानी यूनियंस थी, उन्होंने एक इशू रेस किया था कि जो रिमोट एरियाज में पेंशनर्स रहते हैं, उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस या पुअर कनेक्टिविटी के चलते उनके जो भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं वो उसमें मैकेनिज्म में नहीं आ पाते हैं, जिसके चलते उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी के बाद में गवर्नमेंट का ये आंसर आया है, आप देख सकते हैं द आइटम स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, और ये आप सारी चीजें हैं इसमें। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट ने अलग अलग लेवल पर चीजें उसमें हाईलाइटेड की है, चाहे वो अलग अलग निश्चित हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, उनको चाहे वो एसएमएस के जरिए हो, चाहे फीडबैक के जरिए हो, पेंशनर्स के लिए बहुत सारी चीजें इसमें की गई हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ उसमें। उन्होंने बोला ही एक्सप्लेन्ड दैट अ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ग्रीवांस डिस्पोजल वाज इन प्लेस, रेगुलर इंटर मिनिस्टर मीटिंग्स आर हेल्ड फॉर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, पेंशनर्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट केस डेवलपमेंट्स थ्रू एसएमएस एंड फीडबैक फ्रॉम पेंशनर्स इज ऑब्टेंड। एडिशनली ही हाईलाइटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड August 23, 2023 इशूड टू ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एम्फेसाइजिंग दैट केसेस शुड बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज ऑफ ओनली आफ्टर कंक्लूसिव रिजोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने बोला है कि सारी चीज़ों का रिजोल्यूशन अच्छे से किया जाता है, लेकिन पेंशनर्स की नहीं, ये बोला था कि जो पुअर कनेक्टिविटी है और भी सारी चीज़ें हैं वो सारी सही से नहीं हो पाती, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरे आइटम की, जिसमें बोला गया था रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पेंशन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ सर्विस। उन्होंने बोला था कि जितने भी कम्यूटेड पोर्शन है पेंशन का वो 12 साल के बाद में हो जाना चाहिए। इसमें आंसर देख सकते हैं, इसमें आंसर आया है द स्टाफ साइड डिमांडेड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर इन्फॉर्म डेट अ प्रपोजल फॉर रिडक्शन इन रिस्टोरेशन पीरियड ऑफ कम्यूटेशन वॉज रेफर टू द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। हाउ एवर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिटर्न द प्रपोजल स्टेटिंग इट टू बी प्रीमेच्योर। डी एस डी ओ एक्सपेंडिचर क्लेरिफाइड दैट दे हैड रिसीव अ प्रपोजल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स एंड पेंशनर वेलफेयर प्रपोजिंग दैट द मैटर रिलेटिंग टू रिडक्शन इन द रिस्टोरेशन पीरियड ऑफ द कमिटेड पेंशन मे बी रेफर टू द नेक्स्ट सी पी सी।
यानी कि जो पे कमीशन है उसका, एज द सीपीसी हैज नॉट बीन कंस्टिट्यूटेड द प्रपोजल वाज रिटन इट वाज डिसाइडेड दैट द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर मे कंसीडर सेंडिंग अ फ्रेश प्रपोजल टू डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इफ रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मे कन्वेन अ मीटिंग विद द स्टाफ साइड। यानी उन्होंने बोला है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर है उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को जो कि आपकी कमिटेड पोर्शन होता है पेंशन का वो 12 साल की जगह 12 साल में करने को बोला था और उसमें भी समय थोड़ा सा कम करने के लिए बोला है। अब आगे जो भी मैटर इसमें होगा उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने प्रपोजल को लिया है और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि जो फ्रेश प्रपोजल है वो दिया जाए उसमें और भी कई सारी चीजें ऐड करके जिसके चलते उनको आगे उसमें प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं आप, थर्ड पॉइंट, पेमेंट ऑफ एफ एम ए टू इम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड ब्रिंग द इम्प्लॉइज ऑफ द इंस्टीट्यूट विद इन द एम्बिट ऑफ सी एस एस एम ए रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। पहली थोड़ी एक चीज और बता दूं मैं कि अगर आप इस पूरे जो भी हम सर्कुलर पढ़ रहे हैं इसका प्रिंट आउट चाहते हैं, इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वीडियो को लाइक करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आपको ये पूरी डाउनलोड कर लेंगे, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इसको। आप देख सकते हैं इसमें और भी सारी कई सारी चीजें लिखी गई हैं। पॉइंट नंबर फोर भी देख सकते हैं इसमें आप, मैक्सिमम कवरेज अंडर द डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मे बी इंक्रीज फ्रॉम 60,000 टू 6,00,000। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इसका आंसर दिया है, उन्होंने बोला है इट वॉज ऑब्जर्व दैट दिस आइटम वॉज कंसिडर्ड इन द 62 मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी एंड इन व्यू ऑफ द जस्टिफिकेशन पुट फोर्थ बाय द स्टाफ साइड इट वॉज डिसाइडेड टू रिकन्सिडर द इशू इन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन्फॉर्म दैट दे वर वेटिंग फॉर द प्रपोजल इन दिस रिगार्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर और इसके बाद लिखा है इट वॉज डिसाइडेड दैट द स्टाफ साइड विल सबमिट अ प्रपोजल विद जस्टिफिकेशन। उन्हें बोला है कि जो भी आपकी इंश्योरेंस स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की उसकी लिमिट जो है 60,000 रुपये से बढ़ा करके 6,000 रुपये किए जाए, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने बोला है कि आप एक फ्रेश प्रपोजल या बोल सकते हैं कि जो भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन है उसको डाल करके एक प्रपोजल दीजिए, उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंफेल उसका एग्जामिन करने के बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को प्रॉपर तरीके से रेफर करे, उसके बाद जो भी इसमें अपडेट आएगा वो उसमें आगे होगा। आगे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर फाइव में, रिस्टोरेशन ऑफ फैसिलिटीज एंड कंसेशन विड्रॉन बाय द रेलवेज टू सीनियर सिटीजन। यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन में था, ये बोला गया था कि जितनी भी फैसिलिटीज हैं या कंसेशन हैं उन सबको रेलवेज के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको फिर से रिस्टोर किया जाए। इसमें आप देख सकते हैं जेडी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे ने इसका आंसर दिया है, बोला है इन्फॉर्म दैट द गवर्नमेंट गेव सब्सिडी ऑफ रुपीज 59,837 crores ऑफ पैसेंजर टिकट इन 2019-20 द अमाउंट टू कंसेशन ऑफ 53% ऑन एन एवरेज टू एवरी पर्सन ट्रेवलिंग बाय रेलवेज द सब्सिडी इज कंटिन्यू टू ऑल पैसेंजर्स फर्दर कंसेशन बियॉन्ड दिस सब्सिडी अमाउंट आर कंटिन्यूइंग ओनली फॉर द कैटेगरीज ऑफ दिव्यांगजन स्टूडेंट्स एंड पेशेंट्स एज प्रेजेंट देयर इज नो प्रपोजल टू रिस्टोर कंसेशन टू सीनियर सिटीजन इन व्यू ऑफ द पोजिशन एक्सप्लेन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इट्स बाय डिसाइडेड टू क्लोज द आइटम। उन्होंने बोला है कि अभी अभी गवर्नमेंट रेलवे ने कई जो दिव्यांगजन है स्टूडेंट्स है और पेशेंट है उनके लिए अलग अलग टाइप के कंसेशन दिए गए हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट में ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं दिया गया है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके जो कंसेशन है उनको फिर से रिस्टोर किया जाए, अभी ऐसा कोई प्रपोजल गवर्नमेंट के पास में नहीं चल रहा है। नेक्स्ट की बात करें सिक्स की, पेंशन टू बी एग्जम्प्ट फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ इनकम टैक्स, ये डिपार्टमेंट रिवेन्यू सीबीडीटी को इसका आंसर देना था। आप देख सकते हैं आंसर में लिखा है ऑन द डिमांड फॉर एग्जम्प्शन ऑफ पेंशन फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू इन्फॉर्म द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू सिंप्लीफाई द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय रिमूविंग एग्जम्प्शन एंड इंसेंटिव्स व्हाइल एट द सेम टाइम रिड्यूसिंग द रेट्स ऑफ टैक्सेस देयरफॉर द प्रपोजल कुड नॉट बी एग्रीड इट वॉज डिसाइडेड टू क्लोज द आइटम। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से बोला गया था कि पेंशन जो है इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होना चाहिए, उन्होंने बोला है कि अभी गवर्नमेंट इस पर एग्री नहीं है, जो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है सीबीडीटी का वो इस प्रपोजल पर अभी एग्री नहीं है, इसलिए इस आइटम को क्लोज किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिसेबली पेंशन ऑफ वॉर हीरोज टू बी एग्जेंट फ्रॉम इनकम टैक्स। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो डिसेबली पेंशन मिलती है वॉर हीरोज को उसकी पेंशन भी जो है एग्जेंट पेंशन इनकम टैक्स एग्जेंट किया जाए। इसमें भी आगे आंसर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू का, द स्टाफ साइड डिमांडेड डेट द डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ वॉर हीरोज
बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, डिपार्टमेंट रेवेन्यू इन्फॉर्म दैट अ कोर्ट केस ऑन द सब्जेक्ट इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑनरेबल कोर्ट, इट इज ऑर्डर डेटेड। इसमें बोला गया है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास में, ऑनरेबल कोर्ट के पास में है, उसके बाद ही सारी चीजें हो पाएंगी जब भी इसका आउट इस केसेस के आउटकम आ पाएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इन्हांसमेंट ऑफ बोनस सीलिंग लिमिट ऑफ कैजुअल लेबरर्स कंसिक्वेंट ऑन इन्हांसमेंट ऑफ बोनस सीलिंग ऑफ कैजुअल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें भी वही सारी चीजें हैं कि बोनस सीलिंग की जो लिमिट है वो कैजुअल लेबर्स के लिए बढ़ाई जाए, और भी कई सारी चीजें हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी सारी चीजें बढ़ाई जाए। अभी इसमें बोला गया है कि एक फ्रेश ड्राफ्ट और भी कई सारी चीजें हैं वो कैजुअल वर्कर्स के लिए ऐड होंगी, उसके बाद ही आ पाएंगी। हालांकि ये मैटर पेंशनर से रिलेटेड नहीं, इसमें थोड़ा डिटेल में इसको नहीं देख रहा हूँ। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, ग्रांट ऑफ रिस्क अलाउंसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज एंड इंक्लूजन ऑफ न्यू हजार्डस एक्टिविटीज इन द लिस्ट ऑफ ग्रांट ऑफ रिस्क अलाउंसेस। ये आंसर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड DOPT की तरफ से। इट वॉज नोटेड दैट DOPT हैज इशूड ऑर्डर्स फॉर ग्रांट ऑफ रिस्क अलाउंसेस एट रिवाइज रेट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 3/11/2020। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वॉज ऑफ द व्यू दैट दिस बेनिफिट कैन नॉट बी गिवन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। द स्टाफ साइड ब्रॉट टू द नोटिस दैट देयर वॉज अ डिस्पैरिटी ऑफ रिस्क अलाउंसेस रेट्स बिटवीन द फायर सर्विसेज एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉइज ऑफ डिफेंस एंड रेलवे इंगेज इन हैजार्डस एक्टिविटीज। It was also brought to the notice by the staff side. The Ministry of Railways and Department of Defence had constituted a committee in this regard. It was decided to take up a matter with Ministry of Railways and Ministry of Defence. तो उन्होंने बोला है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जो लिए डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके जो भी हजारडस एक्टिविटीज काम करते हैं उनके लिए ग्रांट रिस्क अलाउंसेस को ग्रांट किया जाए। उन्होंने बोला है कि अलग अलग इट वॉज ऑल्सो ब्रॉट टू द नोटिस बाय द स्टाफ साइड दैट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो कमेटी कंस्टिट्यूट की गई इसके रिगार्डिंग, जल्द से जल्द इस पर भी कोई ना कोई फैसला जरूर लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 10 है, आप देख सकते हैं MSCP टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2006 इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर भी DOPT की तरफ से दिया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 11, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रांट ऑफ वन नॉशनल इंक्रीमेंट फॉर दोज हु रिटायर्ड ऑन द सुपर एनुएशन ऑफ 30 जून। DOPT ने इसका आंसर दिया है। इसमें भी कई सारी चीजें हैं और आप इसको देख सकते हैं। द स्टाफ साइड लगातार कर्मचारियों पेंशन के लिए सारी चीजें रखता रहा है और इसके अलावा भी इसमें सारी चीजें होंगी। पॉइंट नंबर 12 भी आप देख सकते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द 7th CPC रिवीजन बेनिफिट दोज हु रिटायर्ड ऑन 31/12/2015। नेक्स्ट है टू स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम फॉर्म द कंप्लीशन ऑफ डिस्प्लेरी केसेस इन द कोर्स इन द केस ऑफ पेंशनर्स, यानी जो भी पेंशनर्स के डिस्प्लेरी केसेस हैं वो टाइम फ्रेम में हुए और सारी चीजें हों उसके अलावा ये सारी चीजें इसमें निकाली गई हैं। आप देख सकते हैं सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको इस पूरी इसको डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पहले लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, उसके बाद आपको ये PDF डाउनलोड करने को मिलेगा और आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और अपनी सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक।